आज आप देख रहे होंगे अपराधी पहले तो उसने एक युक्ति निकाली थी कि चलिए सरकार कैसी आ रही है वैसे ही पिछली सरकारों की तरह हम भी वही करेंगे, लेकिन जब सरकार ने कहा नहीं जीरो टॉलरेंस पर चलेंगे, या तो अपराध करना बंद करो और अपराध करोगे तो उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। बहनों और भाइयों, तो ज्यादातर अपराधियों ने अपनी जमानतें तुड़वा करके जेल में चले गए और अब तो कह रहे भैया अब हमें जेल में भी मत भेजो, अब वहां भी जाने से भाग कर रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे अब तो ज्यादातर अपराधी अपने गले में पट्टी लटका करके घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया जिंदगी भर ठेला लगा करके पेट भर लूंगा लेकिन अब कुछ गलत काम नहीं करूंगा, एक बार जान बकस तो बस। बहनों और भाइयों, ये कानून का भय अगर अपराधी और माफियाओं के ऊपर न हो तो गरीबों का, सामान्य नागरिकों और व्यापारियों का ये अपराधी और माफिया जीना हराम कर देंगे। और इसीलिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां हर दूसरे दिन एक दंगा होता था, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दंगा पॉलिसी और कर्फ्यू की पॉलिसी को जो प्रदेश झेला हो, उस प्रदेश में अब दंगा नहीं चलेगा, कर्फ्यू नहीं चलेगा, वह प्रदेश अब पत्रों प्रकाशित नहीं करेगा, वह प्रदेश अपने परंपरागत उत्सव के साथ जुड़ेगा और उत्सव के साथ जुड़ने के लिए ही